रूहानी ताल्लुकात और ख़ानदानी ताल्लुकात जिनके रिश्तेदार आजाई हम खुशी फरमा है वो मेरे लिए मामूलों के और बचपन उन्हीं के हाथे में गुजरा है। तबीयत के अंदर बड़ी मतानी थी, बड़ी अजीब सी तबीयत थी, अक्खड़ भी साजी साजी बेलगामी मिजाज मानता करने वाला वो शख्स था जिसके आज हम खत्म में मौजूद हैं। मेरे शहर शरीफ हुजूर वाले दी गरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, बेटा जिंदगी की किताब को जमाने के उस्ताद से हासिल कर, जिंदगी की किताब जमाने के उस्ताद से पढ़, इससे बेहतरीन उस्ताद कोई नहीं, इससे बेहतरीन किताब कोई नहीं। जिंदगी के अंदर से चीज आती चली जाती है, जिस उम्र से वो थे बीवी का प्यार, बच्चों का प्यार, रिश्तेदारों का प्यार, दोस्ती यारी सब कुछ देख चुके थे। जमाने के उस्ताद ने उनको बड़ा बेहतरीन पढ़ाया था और उन्हीं से फिर सबक हासिल करके हमने भी पढ़ा है। मैं कुरान पाक सुना रहा था रमजान शरीफ में, इस वक्त ये खबर मुझे पहुंची, तकलीफ बड़ी हुई, उस रात सही से तरावी भी नहीं पढ़ाई तो यार मैं जा भी नहीं सकता, कैफियत भी ऐसी थी, कुरान पाक छोड़ भी नहीं सकते थे, इधर से कैफियत ये थी, इधर आप भी नहीं सकते। एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सा मकसद था इसके शोपन में रहे बहु नजर अल्लाह ताला उसकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। बड़ी कमाल शख्सियत थी जिंदगी में, अब हम मुस्लिम की इमामत भी करते हैं, लोगों से मेल जोल भी है, पता चलता है कौन कितने पानी में है। इल्ला माशाल्लाह ये नहीं कि सारे बड़े अलग गरीब मौजूद हैं, जब भी कोई आया है जी अपना नकाब और ओढ़ के आया है, अपने अंदर ओढ़ रख के आया है, अंदर से ओढ़ नहीं गया, ओढ़ रख के मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से ऐसे बंदे मिलते हैं जिनका अंदर भी एक हो बाहर भी एक हो। हमारा मामला तो उसी कैटेगरी में था जिसका अंदर भी एक था, जिसका बाहर भी एक था, उसकी सोबत बड़ी कमाल थी। अल्लाह चंगिया दे लड़ लग रहा मेरे छोरी को भी भाई, मंदिया दे लड़ लग रहा अगले भी डोल गए। मियां साहब बनाते हैं बेशर्मी लेकिन जमीन भी रो रही है, आसमान भी रो रहा है।
लोगों ने रोने को भी जो है वो अजीब सी कैफियत और रंग दे दिया, कहते हैं कि फोन कर रहे हैं, नहीं रोना ये आंसुओं का बहना ये तो अल्लाह की रहमत है जिस पर साथ करीम आका जी अलैहिस्सलाम के साथ जाते हजरत इब्राहिम छोटे जब विसाल था तो आका जी अलैहिस्सलाम की चश्मान मुबारक से एक सन सन रहमत के कदरे बरस रहे थे। मोमिनी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप रोते हो, फरमाया अल्लाह की बंदी ये तो रहमत के आंसर, ये तो रहमत के आंसर। सभी से ले तमाम बड़े इत्तेशाम हमारे मुआशरे के अंदर नरमियां ये है, हर मकाम पर माँ की ही शान बयान की गई है, बाप बेचारे को कोई इज्जत नहीं, धक्के खाए प्यो मारा खा रहे प्यो हार्ट अटैक हो गए प्यो नारिज हो गए प्यो न एक्सीडेंट हो गए प्यो का शान और मां ऐसा नहीं। अल्लाह रसूल की शरीयत और तेरी मेरी शरीयत और तेरी मेरी शरीयत में बाप बिल्कुल फारिग आदमी है और अल्लाह रसूल की शरीयत में हुजूर सरवर कायनात फरमाते जन्नत का सेंटर वाला दरवाजा है, तेरा बाप जन्नत का सेंटर वाला दरवाजा है, तेरी मर्जी राजी कर ला या नाराज कर, जन्नत अबू आप लावना ही ते प्यो राजी कर ला ये बंद करावना ही ते पुत्र प्यो ना लड़ना। आज नस्ल उठ रही है अब आता ही नहीं पता तू जो करते हैं की बदल तू जो करते हैं नहीं बदल, बाप के सामने भी बाप बाप हम बाप बनने की कोशिश करते हैं। मेरे करीम आकर के अभी सलाम सलाम ने फरमाया तुम ये पहचानना चाहते हो अल्लाह राजी है या नाराज, या रसूल अल्लाह बिल्कुल, फरमाया जो अपने बाप को देखो वो तेरे से राजी है या नाराज है। औरतों की एक सैको है फितरत है तबीयत है वो रो के अपने आप को सच्चा भी जाहिर कर लेती है और अपना आप पहले अपना काम सारा कुछ निकाल तो आप ऐसा नहीं कर सकते दिल के अंदर ही। आज कई बाप खौफ ज्यादा है अपनी जवान औलाद का, मैं आपको अपना बाप कह मैं तहज्जुद के टाइम आया नीचे हमारी मस्जिद के नायब सदर साहब बैठे हुए रोई जावे रोई जावे रोई जावे, मैं दिल से बड़ा सोचा मैं क्या बाप यार दरबार तेरी अस्मत से कुर्बान जावा कितना तू इनको इश्क जीता है तहज्जुद वेले आज मस्जिद में रोंदा बैठा मैं सुभान अल्लाह, मैं दिल में बड़ा जो है खुश हुआ मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नमाजी में कोई एक तो ऐसा है ना जो तहज्जुद में आपके मस्जिद में रोना रो रो के अपनी अल्लाह से बख्शिश भी मांगता है। जब देर कब गुजर गई 15-20